नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीतिया 2024, जिसे जीवतिया व्रत भी कहा जाता है, वो कब मनाना है और कब उसकी पारण करें, क्योंकि जीतिया में पारण का समय देखकर पारण करना होता है। तो चलिए मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ कि कब पारण करना है। पहले ये जान लेते हैं कि जीतिया किस डेट को मनाया जाएगा। जीतिया का व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अष्टमी नवमी करना चाहिए, सप्तमी और अष्टमी जिसमें पड़ रहा है तिथि, उस दिन आप जीतिया ना करें। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करती है। तो जीवतिया के एक दिन पहले नहाए खाए होता है, दूसरे दिन व्रत होता है जो कि निर्जला होता है, और तीसरे दिन उसका पारण होता है। तो अब मैं आपको बता दूं, जीतिया का नहाए खाए कब है, व्रत किस दिन करना है और पारण किस दिन करना है। 24 तारीख सितंबर 24 को नहाए खाए करना है, जो कि आपके यहाँ जैसे भी जैसा परंपरा चलते आ रहा है, जैसा कि आपके यहाँ होता है नहाए खाए में, उस तरीके से आप नहाए खाए कीजिए। उसके बाद 25 तारीख को, 25 सितंबर को जीवतिया का व्रत रखना है, जो कि निर्जला उपवास रखते हैं, और 26 सितंबर को इसका पारण करें जीतिया व्रत का, जो कि आप सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। जीवतिया व्रत कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर कथा सुन सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं पूजा की टाइमिंग, जीवतिया का पूजा किस टाइम को करें जो कि अच्छा शुभ मुहूर्त आपको मिल जाए। शाम 4:43 से 6:14 तक बहुत शुभ मुहूर्त है, तो आप इस मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं जीतिया व्रत की पूजा विधि। ज्वेत पुत्रिका व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद प्रदोष काल में पूजन स्थल को गोबर से, अब हमारे घरों में तो गोबर से लिपने की सुविधा है नहीं, तो वहाँ पे अच्छे से पोछा लगा लेंगे, सफाई कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, और इस तालाब के नज़दीक ही पाकड़ की डाल खड़ी की जाती है। अब तालाब के जल में कूसा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मूर्ति बनाना है वो कूसा से बनाना है, और इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन भी बनाने की विधान है। इन मूर्तियों पर के माथे पर सिंदूर का टीका लगाने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है, और उसके बाद दूसरे दिन पारण किया जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।